नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइडियली होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, आपने कई बार देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक्स महिलाओं से हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप जब बाद में बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कई सारे डिफेक्ट होते हैं, या तो वो मेंटली किसी डिफेक्ट से ग्रसित होता है या फिर फिजिकली कोई डिफेक्ट, उसमें बर्थ डिफेक्ट ही पाया जाता है। देखा होगा आपने कि हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं, पैर तिरछे हो जाते हैं, या फिर कई बार आपने बेबीज में देखा होगा कि वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करते हैं, नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हर कोई इंसान उस बच्चे को देखकर ये जरूर सोचता है कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी गलती हुई होगी जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे में रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं या बच्चा इस तरह का पैदा हुआ है। आप भी ये चाहती होंगी कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे, और आप अगर इन गलतियों को कर रही हैं जो आगे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आज से ही इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे में कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, कोई भी डिफेक्ट उसमें ना पाई जाए। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो डिफेक्ट होते हैं वो क्रोमोजोमल भी होते हैं, जैसे क्रोमोजोम्स के पेयर बनते हैं उस पर भी जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो डिपेंड कर सकता है, और कई बार आपकी गलतियां भी इसमें हो सकती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को बार बार रिपीटेशन बेस पे इन्फेक्शन होना, अगर आपके निचले अंगों में बार बार इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा होता है, तो कई बार या तो अर्लियर मिसकैरेज भी हो जाते हैं, और मिसकैरेज नहीं होता है तो आपके बेबी में बर्थ डिफेक्ट आ सकता है। इसका तीसरा और महत्वपूर्ण कारण होता है कि आपको किसी भी पॉल्यूटेड जगह पर बहुत ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। पॉल्यूशन इट मीन्स कि अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसका जो धुआं होता है वो आपके श्वास की नली से आपके फेफड़े में जाएगा और साथ ही साथ बच्चे तक भी जाएगा, तो बच्चे के शरीर में या मानसिक रूप से विकृति हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे का जो फेफड़ा होता है वो सबसे आखिरी में बनता है और फेफड़े को बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो स्मोक होती है उसकी जो सांस से लेने की आपकी क्षमता होती है वो आपको पता नहीं चलती है क्योंकि आप हैबिचुएटेड हैं, लेकिन वो शरीर में जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे आपके बच्चे में डिफेक्ट करता रहता है। इसलिए अगर आपके घर में या आसपास कहीं पर भी कोई भी स्मोक कर रहा हो, यानी सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी का सेवन कर रहा हो, उसके धुएं से आप बच के रहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ शारीरिक और मानसिक विकृतियां आपके पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकती हैं। जैसे प्रेगनेंसी में अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, आपके शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा कम है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो बच्चा भी विकलांग पैदा हो सकता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, कैल्शियम और प्रोटीन आपके बच्चे के हड्डी और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और साथ ही साथ जो विटामिन्स होता है वो बच्चे के सारे ही जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बच्चे के जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको डेवलप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अच्छे हेयर चाहती हैं, बच्चे की नेल्स जो होती हैं वो सब कुछ हॉर्मोन्स पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा डाइट का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी आप खाना खा रहे हैं तो वो सारा ही खाना अननूट्रिशनल डाइट है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फैट मिलेगा जो आपकी बॉडी में जमा होगा, आप मोटी हो जाएंगी, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे से विकसित नहीं होगा, क्योंकि बाहर का खाना ना ही बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से बनाया जाता है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें डाली जाती है, वो बस टेस्ट के लिए आपके होता है, टेस्ट मेकर के जैसे काम करता है, पर वो न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं होता है। इसीलिए घर के खानों को खाइए, और घर के खाने में आप सभी चीज़ें खाइए, दालें खाइए, साग सब्जी खाइए, जूस का सेवन करिए, फल फ्रूट खाइए, ये आपके बच्चे के लिए हेल्दी होता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगहों पर भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं रहना चाहिए। आपको पता होगा कि जब बच्चा आपका मूवमेंट करने लगता है वो सभी चीज़ों की प्रतिक्रियाएं आपको देने लगता है। साढ़े चार या पाँच महीने का बच्चा आपके एहसास को, स्पर्श को भी समझ सकता है, आपको सुन सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा या बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आने वाले आवाज़ के पास, यानी साउंड बॉक्स के पास अगर आप रहती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में आप जा रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो आपके बच्चे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है।
है, पेट में उसको काफ़ी परेशानी होने लगती है, तो आपको शोर शराबे से भी बच के रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी में कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर प्रेग्नेंट माँ एल्कोहल का सेवन करती है तो उसके बच्चे में हार्ट से संबंधित समस्याएं भी जन्म से ही हो सकती हैं, यानी दिल में सुराग होना। तो ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो इसके लिए अल्कोहल का भी सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी जिसमें कैफीन बहुत हाई होता है तो ये हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी के चांसेस को भी बढ़ाता है, इस वजह से आपको चाय और कॉफ़ी का भी सेवन ना मात्र ही करना चाहिए। साथ ही साथ टेंशन फ्री रहना चाहिए, तनाव लेने से भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत रुकावट आती है, आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं जिससे कि बच्चे का वजन या बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट विकास नहीं हो पाता है। इसके कारण आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए, आपको हमेशा प्रेगनेंसी में कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव रहने का और साथ ही साथ खुश रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसी अगर आप केयर अपनी प्रेगनेंसी में करती जाएंगी तो बच्चे में कोई भी विकृति नहीं होगी। साथ ही साथ डॉक्टर विजिट करना समय पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी वैक्सीन्स आपको दिए गए हैं, जो नियमित रूप से आपको जिस टाइम पे लेना है वो लेना काफ़ी ज़रूरी है। मेडिसिंस जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, प्रिस्क्राइब की है, वो समय पे लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मौसम में बदलाव की वजह से भी कई बार सर्दी जुकाम फीवर वगैरह आने लगते हैं, या फिर फ्रेंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा वायरस इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे समस्या से बचने के लिए कोशिश करिए कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपना हाइजीन मेंटेन रखिए, जिससे कि बार बार इंटरनल लेवल पे भी कोई इन्फेक्शन आपको ना हो जो प्रेगनेंसी को आपके खतरे में डाल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले टाइम फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।